goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। देखिए एग्जिट पोल वगैरह ये चौंचले होते हैं, मुबारक लोगों ने किया मेहनत, उसके नतीजे भी, लेकिन जब लोगों ने मतदान किया है तो उस मतगणना का इंतजार हम सबको करना चाहिए। मैं अपने तमाम महागठबंधन सहयोगियों के माध्यम से, वो स्वयं भी बोलेंगे, सर्वप्रथम तो हम बिहार, बिहार की जनता, युवा, बुजुर्ग, माँ बहन को प्रणाम करते हैं। अद्भुत चुनाव रहा, बावजूद तमाम उकसावे के, बहकावे के, मुद्दे पलटने के, मुद्दे से हटाने की, बिहार ने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, अपने अपने आत्मा में आत्मसात कर लिया, शरीर में, अपनी चर्चा में, अपने विमर्श में। इसलिए नौकरी, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, आशा कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया गण, उसके अलावा संविदा कर्मचारी, समान काम समान वेतन, कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र, ऐसे मुद्दे जो एक आमूलचूल परिवर्तन का आगाज करने की घोषणा कर रहे हैं, बिहार ने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा। तीसरे चरण का मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रतिशत भी पहले दो चरणों के आसपास या थोड़ा आगे ही रहेगा। एक जो चीज स्पष्ट है, आपको स्मरण होगा कि हम पूरे गठबंधन के सहयोगी जब आपके पास पिछली बार आए थे, यानी कि तारीख 3 को, हमने कहा था कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तीसरा चरण उसकी उभार में बढ़ोतरी करेगा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं, और इसके लिए हम सिर्फ गठबंधन के सहयोगी, जिसके बारे में अब दिल्ली पटना में चर्चा हो रही है, ऐसा नैसर्गिक गठबंधन लोगों ने नहीं देखा था जमीन पे। मैं समझता हूं सिर्फ पटना में नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यही छवियां गांव, गली, शहर, हर जगह थी। तो मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा, और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मैं पुनः एक बार इतना सिर्फ कहकर के बात खत्म करूंगा कि ये बदलाव की जो संकल्पना महागठबंधन ने की थी, जिसको बिहार ने हाथों हाथ लिया, आज उस संकल्पना के पूर्ण होने में महज 48 घंटे अब बाकी हैं। कल का 24, परसों का 24, 48 कुछ घंटे आज रात के जोड़ लीजिए, उसके बाद बिहार में अपने सरोकार की सरकार बनेगी, और महज सरकार नहीं बदलेगा, सरोकार बदल जाएंगे बिहार के। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार के मतदाताओं ने पूरे देश को एक तरह से अलग जगह करके दिशा दे दी है। अब कहीं भी चुनाव होंगे, लोग कहेंगे मेरी रोटी, मेरी थाली, मेरे रोजगार, मेरे स्वास्थ्य, मेरी शिक्षा पर बात करो, आसमान में टंगे हुए मुद्दों से पे हमें बात नहीं करनी है। अब मेरे बाद अब मैं समझता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी, धन्यवाद करता हूँ कि पूरे चुनाव कैंपेन में आप सबने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर हम आज थर्ड फेज के इलेक्शन समाप्त होने के बाद राज्य की जनता को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बड़ी उत्साह से महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है, हमारे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है, और आज भी अभी भी जो फीडबैक मिला है दिन भर का वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम न सिर्फ कंफर्टेबल मेजोरिटी से आगे बढ़े हैं, बल्कि ये परिणाम इतने चौंकाने वाले होंगे कि आप देखेंगे एक बड़ी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में बनने जा रही है। हम इसके लिए सभी मतदाताओं, खासकर युवा वर्ग जो हमारे साथ खड़ी रही है, और हमने जो उनके लिए एजेंडा सेट किया, बिहार में पहला मौका था चुनाव में जब विपक्ष के एजेंडा को सभी पार्टियों को बाद में मानना पड़ा। एजेंडा हमने सेट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इस पर सभी लोगों को बाद में आना पड़ा। तो ये पहली जीत हमारी हो गई कि विपक्ष के एजेंडा को सबने माना, और उसका फायदा हमें ये हुआ कि 15 साल से जो सत्ता में बैठे लोग थे उनसे जो निराशा थी लोगों को, उनको एक आशा जगी, और उन आशा को जो हम पर उन्होंने प्रकट किया है, ये भरोसा एक बार फिर हम उनको दोहराते हैं, जो जो बातें हम सब ने अपने अपने घोषणा पत्र, बदलाव पत्र में जनता के समक्ष रखा है, हम उसके लिए कमिटेड हैं। 10 लाख रोजगार देंगे, केजी टू पीजी तक छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे, उसके अलावा 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा,
काले किसान कानून जो केंद्र ने सौंपे थे उसको बदलेंगे, ये तमाम चीजें जो हमारे वो हमारा कमिटमेंट साथ रहेगा। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां बिहार में पिछले 15 साल में एक राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार जी ने जो एक तरह से धोखाबाजी की थी बिहार के मैंडेट के साथ, जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था हमारे गठबंधन को जिसमें कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू थी, वो जिस तरह से पलट के गए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को खंडित किया और आज उसका नुकसान तीनों चरण के मतदान में उनको महसूस हुआ होगा। और अब देख रहे हैं किसी की भाषा हो गई थी किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड टॉक किए, लास्ट स्टेज में आके भी बहुत बात उन्होंने कही। तो मैं चूंकि मिथिलांचल से आता हूं मैं तीन शब्द का प्रयोग यहां कर रहा हूं, तीन फेज के इलेक्शन हुए हैं, पहला फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, जो जो हमारा लोगों का झुकाव हुआ कर पड़ा उसको मैंने इस तीन शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश की है। पहला फेज से ही हमारे लिए जो स्थिति बनी वो लाओगे भैया वो हमारे लिए था बिल्कुल महोमहो वाली स्थिति थी कि जनता ने भरपूर समर्थन दिया। और बाद में जो हमारी सेकेंड थर्ड में हुआ वो मिथिला में बोलते नहीं थई थई हो गया, मतलब लबालब एक प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे। तो मैं आप सबके माध्यम से जनता को धन्यवाद देता हूँ, शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद जगाता हूँ जो सरकार हमारी बनेगी वो उनके आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी। वो बातें बीजेपी वाले करेंगे। विजय जी एक बार कॉम्रेड कविता बोलेंगी, फिर हमारे दूसरे कॉम्रेड बोलेंगे, फिर सिर्फ चुनाव नहीं कहूंगी, उसमें जरूर बिहार की जनता की जीत होगी इतना तो तय है। और एक चीज आज मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि देखिए चुनाव में खूब चर्चा रहा कि मतलब महागठबंधन की जो जबरदस्त एक तरह से ऊर्जावान एकता थी वो बड़ा दिखाई दिया, एक मैंने आंदोलनात्मक एकता ये दिखाई दिया। और उसी तरह से एनडीए खेमे में बड़ा बिखराव दिखाई दिया, उस बिखराव में कई चीजों पे चर्चा होती रही। लेकिन आज सुबह की एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं कि एनडीए खेमे में कल तक तो ये दिख रहा था कि बीजेपी के पोस्टर्स में नीतीश कुमार की कोई तस्वीर नहीं थी और उसमें मोदी है तो भरोसा है ये कहते हुए भी भाजपा है तो भरोसा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर। आज सुबह के अखबारों में लेकिन जदयू के जो पोस्टर्स छपे उसमें नीतीश जी के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी और इससे पहले भी जब जदयू का छपा है तब है। मैं मानती हूँ कि जदयू की तरफ से नीतीश जी की तरफ से ये कोशिश है कि जो फ्रेम है उसमें से जो खिसकने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री उनको घसीट करके वहां ला करके रखना कि आप भी फ्रेम में हैं। और जो भारी हार होने वाली है, भारी जो एक तरह से सजा मिलने वाली है बिहार की जनता के हाथों, उसकी जिम्मेदारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री दोनों का साझा होगा, ये दिखाने की कोशिश। और सही समाप्त हुआ है, अब जैसे कि उम्मीद थी लोगों ने खुलकर मतदान किया है और हमें उम्मीद है कि जो एक दौर से शुरू हुआ था वो अब अंतिम परिणति में पहुंच गया है और हम लोगों के उम्मीद के अनुरूप आम जनता ने इस बार जो अभी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है और एक नई सरकार के पक्ष में मतदान दिया है। हम CPIM की ओर से और महागठबंधन की ओर से तमाम जो मतदाता हैं उनका हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जो जनता के सवाल उठाए गए हैं उस पर उसको लागू करने में खरी उतरेगी। इसी बात के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। जो बहुमत है ना ये उस तरह का नहीं है जैसे मणिपुर में एक विधायक और सरकार बन जाती है तो वो नहीं होगा। प्रचंड से तात्पर्य ये देखिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है बिहार के असेंबली में, ये 122 से कहां जाके रुकेगा इसका आकलन आपको भी नहीं। अच्छा आपको है? हमें भी नहीं है। अच्छा आपको भी नहीं है? नहीं। प्रेम जी हंस रहे हैं? नहीं, वो कह रहे 122 से ऊपर कहां जाके रुकेगा, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, बस वो नहीं होगा। प्रचंड का मतलब कि मणिपुर में एक विधायक और सरकार बन गई। गोवा कहाँ बोला, कितना याद करा। और कोई सवाल दोस्तों? आप सबका फिर धन्यवाद। आप लगातार आप लोगों से चुनाव के दौरान, चुनाव के एक मिनट चुनाव के आप लोगों के लिए बहुत टफ फेज रहा है, बीता एक महीना
आप लोगों ने दिन रात मेहनत की है, आपकी मेहनत को सलाम। और इतना कहना चाहते हैं कि बदलाव की इस पूरी बयार में आप भी सहयात्री रहे। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।